हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। अयोध्या के युवराज ने जन्म ले लिया है। मैं इसका नाम भगीरथ रखता हूं। भगीरथ, अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। असुर राज विरूपाक्ष, पहले अपने जीवन की चिंता कीजिए आप। पिताश्री, आप? मैं तपस्या करने जा रहा हूं पुत्र। आप आशीर्वाद दीजिए महर्षि, मैं अपने बाहुबल से गंगा मैया को पृथ्वी लोक पर ले आऊंगा। मुझे आपकी सहायता चाहिए। किस संदर्भ में? असुर राज विरूपाक्ष स्वर्ग लोक पर आक्रमण करने निकला है। भगीरथ, अपना जीवन चाहते हो तो पृथ्वी लोक पर वापस चले जाओ। सम्राट भगीरथ की जय। जो सोचकर विरूपाक्ष ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण किया था, वही सोचकर अब मैं स्वर्गलोक पर आक्रमण करूंगा। हे देवताओं, आप ही के कारण मेरे 60 तमाग्नि में जलकर राख हुए हैं। मैं गंगा मैया को पृथ्वी लोक पर ले जाना चाहता हूं। ये क्या हो रहा है? देवी गंगा की जलधारा में इतना वेग है कि सामान्य जन उसे झेल नहीं पाएंगे। मुझे क्षमा कीजिए भगवान, मैं सत्य में हट कर रहा था। आपको गंगा मैया को रसातल तक ले जाना है, जहां आपके पितरों की राख पड़ी है। मैं गंगा मैया को रसातल तक ले जाऊंगा गुरुदेव। भगीरथ ने उग्र तपस्या आरंभ कर दी है। हाँ महादेवी, भगीरथ ने तपस्या के लिए गोकर्ण जैसा पवित्र स्थान चुना है। उसका सारा ध्यान गंगा पर ही केंद्रित है। तपस्या करते हुए वो अशरीरी होकर भू, भुव, स्व इन लोकों से ऊपर मह में आ गया है। उसे अब केवल काला आकाश ही दिखाई दे रहा है। परंतु वो तो गंगा देवी को ढूंढ रहा होगा। गंगा देवी को पाना ही उसका उद्देश्य है, इसीलिए वो मह से भी ऊपर जाकर देवी गंगा को ढूंढने का प्रयास करेगा।
और आकाश गंगा पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। जिक्षु, भगीरथ की तपस्या से किसका कल्याण होगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन असुरलोक का कल्याण अवश्य होगा। असलोम, इसी भगीरथ ने हमारे महाराज वीरूपाक्ष का वध किया है, हम उसकी तपस्या कभी भी सफल नहीं होने देंगे, अर्थात असुरलोक का अकल्याण कभी नहीं होगा। हाँ, यदि त्रिपथगा देवी गंगा की तीसरी धारा असुरलोक में अवतीर्ण नहीं हुई तो हम देवी गंगा को पृथ्वी लोक पर अवतीर्ण होने नहीं देंगे, कभी नहीं। जिक्षु, ये तो कठोर तपस्या कर रहा है, तो हम भी इसे कठोर से कठोर दंड देंगे, मृत्यु दंड। असिलोम और चिक्षु का वध करके प्रभु ने समस्त लोकों को संकेत दे दिया है कि जो कोई भी पृथ्वी लोक के विकास में बाधाएं खड़ी करने का प्रयास करेगा उसका विनाश होगा। वत्स भगीरथ, आंखें खोलो। हे विधाता, आपने दर्शन देकर मुझे अनुग्रहित किया। तपस्वी भगीरथ, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। आप बहुत दयालु हैं परम पिता। मांगो वत्स, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने और तुम्हें वर देने के लिए उत्सुक हूं। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए विधाता, मैं चाहता हूं आपके वरदान से पृथ्वी लोक का कल्याण हो, विकास हो और मेरे पितरों का उद्धार हो। वत्स भगीरथ, तुम एक आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श शिष्य, आदर्श राजा और आदर्श समाज सेवक हो। तुम्हारी समर्पित भावना ने मुझे अधिक प्रसन्न किया है। हे चतुर्मुख ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, आपको विदित है सूर्यवंशी कुल किस लिए तपस्या कर रहा है। हम सभी गंगा मैया को पृथ्वी लोक पर लाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। यदि आप वर देना ही चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि मेरे 60,000 पितरों को
मेरे द्वारा देवी गंगा के पवित्र जल से तिलांजलि दी जाए और उन्हें शीघ्र ही मुक्ति मिल जाए। तथास्तु। और एक बार परमपिता, अपने बल का प्रयोग करके मैं देवी गंगा को पृथ्वी लोक पर ले आना चाहता था। तब मुझे गंगा मैया की जलधारा के भयंकर वेग का साक्षात्कार हुआ। हे विधाता, यदि गंगा मैया स्वर्ग लोक से सीधा पृथ्वी लोक पर अवतरित होंगी तो अनर्थ होगा। समस्त पृथ्वी लोक गंगा मैया के वेग को सहन नहीं कर पाएगा और सप्त पाताल के नीचे चला जाएगा। इसीलिए गंगा मैया को पृथ्वी लोक पर अवतरित होते समय आप गंगा मैया के वेग को नियंत्रण करने का कोई उपाय बता दीजिए। बस भगीरथ, तुम महान हो। सूर्यवंश का ही नहीं, समस्त भारतवर्ष के भूषण हो तुम। तुमने केवल अपने कुल और अपने पितरों के बारे में नहीं सोचा, किंतु समस्त पृथ्वी लोक के हित के बारे में सोचा है। वत्स, पृथ्वी पर गंगा मैया की जलधारा के वेग को नियंत्रण करने के लिए पहले वो जलधारा पृथ्वी लोक की बजाय किसी दूसरे स्थान पर गिरनी चाहिए। वो कौन सा स्थान है परमपिता, जो गंगा मैया की जलधारा के वेग को सहन कर सकता है? आशुतोष महादेव शिव शंकर ही हैं, जो उस वेग को सहन कर सकते हैं। तुम उनकी शरण में जाओ वत्स, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। भोलेनाथ, देखिए तो भगीरथ कितनी कठोर तपस्या कर रहा है। ओम नमः शिवाय। इस महान तपस्वी ने विधाता ब्रह्मदेव और गंगा दीदी को अपने तप से प्रसन्न कर दिया है। अब आप भी उस पर अनुग्रह करके गंगा अवतरण का आधार बन जाइए। ओम नमः शिवाय। आप तो अंतर्यामी हैं, जानते हैं भगीरथ अपने स्वार्थ के लिए तपस्या नहीं कर रहा है, अपनी 60,000 पितरों की मुक्ति के लिए और सारी सृष्टि के जीवों के कल्याण के लिए कर रहा है। महादेव, भगीरथ की इच्छा पूर्ति केवल आप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आंखें खोलो वत्स। ओम नमः शिवाय। भगीरथ, आंखें खोलो। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं भगीरथ। आपके दर्शनों से मैं धन्य हुआ प्रभु। कर चरण कृत वाक कायज कर्म जवा श्रवण नयन जवा मान संत्यावराधम विहित वा सर्व में तत् शमस्व जय जय करुणाविधे श्री महादेव शंभु। हे भगवान महादेव शिव शंकर, अज्ञानवश मुझसे कोई भूल कोई अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। हे शंभु, हे महेश्वर, आप तो करुणा के सागर हैं, आप अपनी करुणा की वर्षा मुझ पर कर दे। हे आशुतोष, भगवान ब्रह्मदेव ने कहा है केवल आप ही स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर
अवतरित होने वाली गंगा मैया को अपनी जटाओं में धारण करके गंगा मैया का वेग खंडित कर सकते हैं। हे त्रिनेत्रधारी, आपने जैसे कामदेव को जलाया था, उसी प्रकार पृथ्वीलोक और गंगा अवतरण के बीच जो भी बाधाएं हैं उन्हें जला दें। हे नीलकंठ, मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मेरे उद्देश्य की पूर्ति करके मुझे अनुग्रहित करें। भक्त भगीरथ, तुम महान हो, तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति अवश्य होगी। भगीरथ, देवी गंगा का जब स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर अवतरण होगा तो देवी गंगा की जलधारा के वेग को धीमा करने के लिए हम देवी गंगा की जलधारा को अपनी जटाओं में धारण कर लेंगे। जो समाचार प्राप्त हुआ है उसके अनुसार महाराज भगीरथ की तपस्या सफल हुई है, अब गंगा अवतरण होगा। अब गंगा मैया का पृथ्वी लोक पर अवतरण होगा, अब गंगा अवतरण होकर रहेगा। होने वाला गंगा अवतरण रुक गया। अब भगीरथ भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए क्या करेगा? जटाट विगलज जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम मड्ड 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 मन्निनाद वड्ड मर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम् ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोल वीचि वल्लरि विराजमान मूर्धनि गद्ध गद्ध गज्ज अल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। ॐ नमः खर्व सर्व मंगला कला कदंब मंजरी रस प्रवाह माधुरी बृजंभणा मधुव्रतम
अमरांतकं पुरांतकं भवांतकं अखांतकं गजांतकांधकांतकं तमंतकांतकं भजे। ओम नमः शिवाय। हे देवादी देव, आप कैसी परीक्षा ले रहे हैं मेरी? मैं गंगा मैया की पवित्र जलधाराओं के अवतरण की अपेक्षा में खड़ा हूं, परंतु एक बूंद भी पृथ्वीलोक की धरती पर नहीं गिरी है। मेरे गुरुजनों का कहना था कि मैं अपने 60,000 पितरों को मुक्ति दिला दूंगा, परंतु आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। हे महेश्वर, मेरा मन इस समय निराशा में व्याप्त है। यदि इतनी तपस्या के पश्चात भी गंगा मैया का अवतरण नहीं होगा तो मुझे जीवन में कोई रुचि नहीं है। ऐसे जीवन को तो त्याग देना चाहता हूं मैं, जो अपने पितरों को मोक्ष नहीं दिला सकता। हे कैलाशपति, हे भोलेनाथ, मैं आपको अपना सिर कमल अर्पण करने जा रहा हूं। कदाचित मेरे प्राण त्यागने के पश्चात ही गंगा मैया का पृथ्वी लोक पर अवतरण होने वाला हो। वत्स भगीरथ, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। देवी गंगा का अवतरण पृथ्वी लोक पर अवश्य होगा। तुम्हारी कठोर तपस्या से देवी गंगा पृथ्वी लोक पर प्रवाहित होंगी, इसलिए पृथ्वी लोक पर बहने वाली देवी गंगा को आज से भागीरथी नाम से भी जाना जाएगा। वत्स भगीरथ, जहां तुम खड़े हो वहां ही ब्रह्म कुंड है। मैं इसमें देवी गंगा की तीसरी धारा को छोड़ता हूं। जय हो गंगा मैया।